नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां बीजेपी पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह सहित आधा दर्जन लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा। आगे बात होगी बुलंदशहर की, जहां चेकिंग के दौरान गौकश बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। साथ ही आगे चर्चा होगी कर्नाटक की, जहां जहरीला पदार्थ खाने से 44 लोग हुए बीमार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से, जहां बैरिया विधानसभा से भाजपा के पूर्व विधायक रहे सुरेंद्र सिंह पर दो युवकों ने चुनावी रंजिश में मारने पीटने का आरोप लगाया है। वहीं घायल युवकों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। घायल युवकों की माने तो पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह के द्वारा लगातार उनके साथ चुनावी प्रचार प्रसार करने का दबाव बनाया जा रहा था। अस्पताल में भर्ती एक घायल युवक ने मीडिया को बताया कि हम लोगों के द्वारा उनके साथ प्रचार प्रसार करने से मना कर दिया गया था, जहाँ उस बात से खार खाए सुरेंद्र सिंह ने अपने लोगों साथ हमारी जमकर पिटाई कर दी और गले से सोने का चैन भी खींच लिया, जिसकी लिखित शिकायत थाने में की गई है। बरहार पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं दोनों युवकों का उपचार चल रहा है। मेरा नाम ऋतुराज सिंह है। कैसे चोट लगी है, कहां पे आप इस समय मौजूद हैं? मेरा पोस्टिंग नौशेरा में, मैं इंडियन आर्मी से हूं। कैसे चोट लगी आपको? चोट रैंडमली विधायक जी, हमारे जो पूर्व विधायक जी हैं वो जा रहे थे और उनसे कोई मतलब नहीं था, और एक पिकअप वाला हम लोग को साइड मार गया, तो उससे हम बातचीत कर रहे थे ठीक, और उन्होंने ज़बरदस्ती उन कहना था कि भाई प्रचार करो मेरे को, मेरे साथ घूमो। तो हम उनके साथ घूमने के लिए तो आए नहीं हैं, तो उन्होंने हम लोग मना कर दिए, तो हम लोग को मारने लगे। पूर्व विधायक जी का आप नाम ले रहे हैं, क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह विधायक। कहाँ पर यह घटना घटित हुई है? ये है आप बैरिया जोगिंदर जी के मठ के आगे। किस चीज़ से मारा गया है? ये पत्थर से मारा गया है, उसके बाद उनके साथ थे और चाबी से इसको मारे हैं, गाड़ी की चाबी। कितने लोग थे? कम से कम 30-35 लोग थे, वो तीन गाड़ी से थे वो। क्या मंशा क्या थी, क्यों वो आप लोगों को मार रहे थे? ये चुनावी रंजिश है। क्या पूर्व में भी कुछ विवाद था क्या आप लोग के बीच में? मैं रहता नहीं, मेरा कोई विवाद नहीं है। लेकिन पूछे वोट किसको देना है, मैं बोला भाई इनको देना है, तो इस बात को लेकर और हम लोग कोई मतलब भी नहीं था। अभी तक तो सुबह 10 बजे घटना, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहाँ कहाँ चोट लगी है आपको? मेरे को सर में लगी है, थाई पे लगा है और ये फेस पे लगा हुआ है, मेरे गर्दन पे, गले पे पूरा ये निशान पड़ा हुआ है। अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? आप इस समय कहाँ पे मौजूद हैं? बलिया अस्पताल है। सोनबरसा हॉस्पिटल से आपको रेफर किया गया है? यहाँ पे डॉक्टर ने क्या कहा है? एक्सरे हुआ है? सीटी स्कैन हुआ है। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं? कितने लोग थे आप लोग, कहाँ जा रहे हैं? हम दो ही लोग थे, हमारा गाँव है, वहीं जस्ट 1 किलोमीटर दूर गाँव है हमारा। कितने लोग के नाम से आपने नामजद तहरीर दी? मतलब जो पहचान में आया उनको, बाकी तो ऐसे सबको नहीं जाता, तो 6-7 समथिंग थे। क्या मारने में पूर्व विधायक जी भी थे? उन्होंने खड़ा होकर बोला मारो मादरचोद। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जो अर्निया पुलिस की 15,000 के इनामी गौकश बदमाशों सलमान वाजिश शाहिद उर्फ शरीफ से मुठभेड़ हुई। बता दें कि चेकिंग के दौरान गौकश बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गौकशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में सलमान के दोनों पैरों और वाजिश शाहिद उर्फ शरीफ के एक पैर में गोली लगी है। घायल बदमाशों सलमान वाजिश शाहिद उर्फ शरीफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पुलिस की जवाबी फायरिंग में इन दोनों के पैरों में गोली लगी है। घायल बदमाश सलमान पर बुलंदशहर मैनपुरी एटा कासगंज में करीब 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं 2 बदमाश अंधेरे का मौका पाकर फरार हो गए। बदमाशों से 3 तमंचा, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस, 1 पिकअप गाड़ी, 1 जिंदा गाय बछड़ा बरामद किया गया है। पर नियंत्रण किए जा रहे क्रम में आज थाना रनिया की पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि मतकोला के जंगल में कुछ अपराधी मौजूद हैं जो संभवतः गोकशी का काम कर रहे हैं, जिस पर थानाध्यक्ष नेतृत्व में पुलिस टीम मतकोला गांव पहुंची और वहां पर उन्होंने बदमाशों को टोका, जिस पर बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा उनको ललकारने पर पुनः फायर किया गया, जिस पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम ने फायर किया,
क्रॉस फायरिंग में 3 बदमाश घायल हुए हैं जिनके पैरों में गोली लगी है। उन्हें हिरासत में लेकर इलाज हेतु CSC भेजा गया है। उनसे घायल अवस्था में पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि उन पर, जिसमें से एक बदमाश पर 15,000 का इनाम है और उन पर विभिन्न थानों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। एक अपराधी के बारे में जिसने बताया कि वो लगभग 15 से 20 बार जेल जा चुका है। उन तीनों के आपराधिक इतिहास की जानकारी और छानबीन की जा रही है और मौके पर फील्ड यूनिट और आसपास के थानों का पुलिस बल भी बुलाया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार प्रचलित है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर कर्नाटक से है जहां चिकोड़ी तहसील के केरूर गांव में मेला लगा हुआ है, जहां पर कई लोगों ने भोजन किया जिसके बाद 44 लोगों की तबीयत अचानक खराब हो गई। कहा जा रहा है कि दोपहर में इन सभी लोगों ने भोजन किया था, शाम को बचा हुआ खाना खाने से ये सभी लोग अस्वस्थ हो गए। 31 लोगों को चिकोड़ी सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, वहीं 5 लोगों को एक संभा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस घटना से बूढ़े बुजुर्ग महिलाएँ और बच्चे सहित कई लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चिकोड़ी बेगे केरूर जात्र आहार सेवी अस्वस्थ मदल बेगे हत जन बंद आमले टोटली सद मूव जन अदर मकलू 11 जन कंप्लेंट्स वांति ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ THO ಮತ್ತು ADHO ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ಇರ್ತಾಗ ಮತ್ತು ಕೆರೂರಿನಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಬಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ಜನರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ 30-31 ಜನ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 40-45. ಏನು ಜಾತ್ರೆ ಊಟ? ಜಾತ್ರೆ ಊಟ ಸೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ. ಹಾಂ, ಯಾವ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತಂದು? ಕೆರೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ. ಏನು ಊಟ ಅಂತಂದರೆ? ಅನ್ನ ಸಜ್ಜಕ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನ ಸಾರು ಬೇಸೋದು. ಎಷ್ಟು ಜನ ತಿಂದಿರ್ಬೋದು, ಊಟ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ? ನಿಖರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ತಾಲೂಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಜನರು 30. ಹಾಂ, ಈಗಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೇನು ಪ್ರಾಣಾಪ ಯಾವ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ನ್ಯೂಸ್ ಸಂವಾದದಾತಾ ರಂಜಾನ್ ಮುಜಾವರ್ ಕಿ ರಿಪೋರ್ಟ್। खबर पाकुड़ से, जहां राजमहल लोकसभा के आखिरी चरण के चुनाव को लेकर डिस्पैच सेंटर पाकुड़ आसंगडीपा समराणे के करीब गुरुवार निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्मिक कोषांग को देख DC ने टेबल पर बूथ संख्या नहीं होने से PO को फटकार लगाई। वहीं जल्द कार्य करने का PO और ARO को निर्देश दिया गया। समराणे के समीप बनाए गए डिस्पैच सेंटर में सभी स्टॉल का बारी बारी से निरीक्षण किया गया। वहीं गर्मी को देखते हुए डिस्पैच सेंटर में बनाए गए मेडिकल स्टॉल के कर्मियों को ORSL रखने का भी निर्देश दिया गया। वहीं DC ने वाहन कोषांग और मतदान कर्मियों को ले जाने के लिए बंगाल से आए बस और पड़ाव का भी निरीक्षण किया एवं व्यवस्थाओं से रूबरू हुए। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे डहारंगी के समीप गुरुवार अहले सुबह एक मिट्टी लदा हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गया। मिली जानकारी के मुताबिक हाईवा संख्या JH16G965 हिरणपुर थाना क्षेत्र के क्रैशर से गिट्टी लोडकर बिहार जा रहा था। ठीक डंगारहली के समीप अचानक हाईवे के सामने एक गाय आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित हो गई और पलट गई, जिससे खलासी हनान अंसारी को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। वहीं चालक मुसाबेरुल शेख पूरी तरीके से सुरक्षित है। गाय आया था, उसको बचाने के चक्कर में लड़क गया, लड़क गया और संभाल लगा। इसमें कौन घायल हुआ है? घायल थोड़ा खलासी हुआ है। अच्छा, और मेरा थोड़ा दर्द। क्या नाम है इस खलासी का? नाम क्या है? खलासी का नाम है आपका हन्नान सर, हन्नान। अच्छा, आप लोग कहाँ से आ रहे थे? ये आपका ये क्या बोलता है, बीरगाँव से। बीरगाँव से गिट्टी लोड करके आ रहे थे क्या? कहाँ जा रहे थे गिट्टी लोड करके? बिहारपुर जिला। अच्छा, ठीक है। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।